इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा संगम इस बार नंदीग्राम में होने जा रहा है। वजह है ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी की जोरदार सियासी जंग। आज भी नंदीग्राम में जबरदस्त हलचल है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, नामांकन भर दिया है। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले हल्दिया में ममता ने पद यात्रा भी की। नामांकन भरने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, नंदीग्राम उनके लिए नया नहीं है। उनका दिल चाहता था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़े, इसीलिए इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। ममता ने कहा कि वो अपना नाम भूल सकती हैं, लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। मेरा फीलिंग से है, अगर भवानीपुर में जो हमारा घर का क्षेत्र है, वो हमारा पास कोई टाइम का बात नहीं थे। हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी का लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। दो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे वीर लीडर है मिदनापुर का, तो हम वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था, इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे जे कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारे याद में आया, जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा, क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था? यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वॉज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम, अगर हम कंटेस्ट करे तो ठीक है? तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग and they gave me full support because of their inspiration, because of their energy, because of their full support. I thought Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here. And so I salute to all the people who died, who are murdered, who are missing till now, but I salute to people of Nandigram. আমি স্যালুট করছি এই কারণে যে আমি অনেক সময় বলি ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কোন নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের আরেক নাম সংগ্রাম, সংগ্রাম। সেই সংগ্রামী জায়গায় আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার, আমি অলওয়েজ স্ট্রিট ফাইটার করে আমি নিজেকে বিশ্বাস করি। তাই অ্যাজ এ কমনার আই এম কন্টেস্টিং দিস টাইম ফ্রম নন্দীগ্রাম, অ্যান্ড আই হোপ নন্দীগ্রাম পিপুল উইল বি ভেরি হ্যাপি এবং দে উইল ভোট ফর মি। नंदीग्राम से नामांकन भरने वाली ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके शुभेंदु अधिकारी का इलेक्शन शो भी आज नंदीग्राम में जोरदार रहा। आज ममता बनर्जी ने शिव पूजा की तो शुभेंदु ने नंदीग्राम में भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया। उन्होंने आज नंदीग्राम में अपने नए चुनावी ऑफिस का उद्घाटन भी किया। जब मंच पर पहुंचे तो ममता बनर्जी पर डायरेक्ट और बड़ा अटैक किया। ममता के चंडी पाठ पर सवाल उठाए, मंदिर मंदिर ममता के दौरे को नौटंकीबाजी कहा। इसके बाद शुभेंदु ने नंदीग्राम में डोर टू डोर कैंपेन की और दिखा दिया कि नंदीग्राम में ममता के लिए चैलेंज कितना बड़ा है। हमारे संवाददाता पवन नारा भी शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद हैं। देखिए पवन नारा की यह रिपोर्ट। मुस्लिम लेडी क्या कह रही है? मुस्लिम लेडी, माइनॉरिटी लेडी क्या कह रही है? See, at that time, ready to cast my vote, entire family. सबका समर्थन मिलेगा आपको, सबका साथ? सबका साथ, सबका विकास। दीदी तो यहाँ चाय बांट, मोदी जी एक 81 करोड़ लोग को अनाज दिया, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल सबको मिला। लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल दिया, इधर 30,000 माइग्रेंट लेबर है नंदीग्राम का, उसकी अंचल में भी है श्रमिक स्पेशल, फ्री ट्रेन दिया घर आने के लिए। और ममता बनर्जी ने बोला कोरोना एक्सप्रेस। एक सवाल ये, आपका साथ, ममता
शारदा दीदी चाय पिलाते हुए नजर आई थी नंदीग्राम के बाजार में, चाय वाले का मजाक उड़ाती रही है। वो सब नौटंका बाजी कमन अच्छे नामन माठे हो गए तो आप देख सकते हो। तो हरे कृष्ण शिवरात्रि पर ममता दीदी यही होंगी। दादा लगातार हो रही है दादा, शिवरात्रि पर ममता बनर्जी खुद यहाँ आ रही है जल चढ़ाने के लिए पहली बार और शेष बार। पहली बार और आखिरी बार गाड़ी है वो तो टीएमसी गद्दार बता रही है। दीदी भी गद्दार है, कांग्रेस से आया है ना, और वो जो भी साथ रेल मंत्री था, सात सीट मिला है लोकसभा का, उसका बाद क्या हुआ है, क्या हुआ शुभेंदु अधिकारी का गौर उसका पीछे है, तो अभी मुख्यमंत्री बनाया शुभेंदु अधिकारी छोड़ आया तो उसको भी मिट्टी से मिल जाएगा। अच्छा शुभेंदु अधिकारी बताता जय श्री राम का नारा कितना बड़ी बात है। ममता दीदी भी मंच से कहती है चंडी पाठ करते हुए कि मैं असली हिंदू हूँ, गलत बात है। असल में ये है कि ममता दीदी वो बांग्लादेश से है, क्योंकि कैसे ये देखिए रहिंगा को बांग्लादेशी को सारे घुसपैठियों को घुसाता रहता है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो बांग्लादेशी है। वो ममता बनर्जी नहीं, ममता बेगम है। असल में वो ममता बेगम है, ये हमारा बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहता है। वो जय बंगला, ये हमारा सोनार बंगला है, इसको वो कैसे जय बंगला बोल सकती है। ये तो मुजीबुर रहमान का कहावत है, ये मुजीबुर रहमान का कहावत है कि जय बंगला, तो मुजीबुर रहमान का देश का हुआ ना, हमारा देश का नहीं है, वो हमारा देश को बेचना चाहते हैं। इसके लिए ममता का विरुद्ध हम पुल करते हैं। ममता हटाओ, देश बचाओ। शिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी वहाँ शिवरात्रि के दिन मंदिर जाएंगी, आज नामांकन से पहले भी मंदिर में जल चढ़ाया है, तो क्या हिंदुओं का वोट मिलेगा ममता बनर्जी को? नहीं, वोट नहीं मिलेगा, नहीं बोल रहे नहीं मिलेगा। वो गद्दारी कर रहा है देश के लिए, कैसे देश के लिए गद्दारी कर रहा है। और शुभेंदु अधिकारी वो अच्छा कर रहा है, क्यों पसंद है, अच्छा काम कर रहा है, गरीब के लिए जान भी दे सकता है शुभेंदु अधिकारी। अच्छा ममता बनर्जी ने पर्चा भर दिया है तो शुभेंदु अधिकारी डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं। शुभेंदु ने कहा कि ममता का वोट बैंक खिसक रहा है, ममता अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बता रही हैं, तो हिंदू होने की नौटंकी कर रही हैं। देखिए पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा, उसका बाद जब देखा है तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में विफल होना शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का दौरान, इसलिए आपने वोट बैंक खिंचक रहा है, वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ये चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है वो तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जो हजारों करोड़ जनता है ये सब नौटंकीबाजी एक्सेप्ट नहीं करी। आपने 50,000 का दावा किया था, ममता कह रही है 1,00,000 को, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, ममता जी कह रही है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। अरे भाई हम लोग तो बोल रहा है जो 10 साल बाद नौकरी का बात क्यों, 10 साल में तो तुम 2 करोड़ बेरोजगार कर दिया, 11 साल में 1,20,00,000 बेरोजगार नौजवान था, अब ममता बनर्जी ने उसको 2 करोड़ कर दिया। ममता बनर्जी का टाइम में 2,00,000 रुपया कर्जा था बंगाल का फर्स्ट जब शुरुआत की, अभी 4,60,000 बंगाल का ऋण है, डेट है। क्या इंडस्ट्री का लिस्ट पढ़ना चाहिए, क्यों चंडी पाठ गलत चंडी पाठ कर रहा है, उसकी 10 बच्चर 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर की नाते उसको इंडस्ट्री क्या क्या आया, निवेश कितना आया, नौकरी कहाँ कहाँ हुआ, कितना हुआ, उसको तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहिए। नंदीग्राम में घर वो तो रिपोर्ट कार्ड नहीं पढ़ के वो नौटंकी कर रहा है, और जो फिर का परिस्थिति बोलता है ना हिंदी में और अंग्रेजी में बोलता है अपॉर्चुनिस्ट, ये काम करने का कोशिश कर रहा है, ये सब नहीं चलेगा। बंगाल से वेस्ट बंगाल से मोदी जी का नेतृत्व में टीएमसी को जनता ने उखाड़ फेंकेगा और
भाजपा की नेतृत्व में एक मजबूत सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया, ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अब शब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेरा मन का इच्छा, मैं ये हिंदू धर्म का इतना सत्यानाश कर रहा है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, वो सुबह गोरखपुर की मठ के महाराज है, उसको आना चाहिए सही मंत्र सुनने के लिए। इसलिए मेरा मोदी जी तो विश्व लीडर है, मोदी जी कहा जाएगा मोदी जी पार्टी ठीक करेगा। ये सब नाटकबाजी पिछले साल तो नहीं किया, मैं तो पिछले साल किया, मैं तो धूती पहन के जल ढलता हूँ, हर साल करता हूँ, 10 साल किया। पिछले साल जो नहीं किया, इस साल करने से उसका जो अपॉर्चुनिस्ट, उसका जो मकसद है चुनाव जीतने का, ये तो साजिश है। अंबानी के घर के करीब मिली विस्फोटक वाली कार के केस में एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।